बोलेंगे। देखिए एक आयोजन हमने किया, इस आयोजन को हम भोग रहे हैं, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा कलाकार का उत्थान करना है। उस बारे में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ये जो समय हमारे बीच था तो मैंने आदरणीय जी से निवेदन किया कि हम इसमें थोड़ी सी दुरुस्त चर्चा अगर कर लें, बात संवाद कर लें तो ठीक रहेगा, फिर व्यस्त हो जाएंगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। भारतीय कलाकार संघ नाम कोई भी हो, कलाकारों का संगठन हो, ये छत्तीसगढ़ के कलाकार बैठे हैं हमारे। भारतीय कलाकार संघ ने मध्य प्रदेश में एक योजना लागू की है, बीमा योजना। अगर आकांश व्यक्ति, भगवान ना करे किसी कलाकार को कोई क्षति पहुंच जाती है, तो भारतीय कलाकार संघ ने मध्य प्रदेश में 5 लोगों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता दी। इस मंच से मैं समस्त भारतीय कलाकार संघ और छत्तीसगढ़ संघ की तरफ से एक घोषणा करते हैं कि अगर ऐसा मौका आता है तो भारतीय कलाकार संघ छत्तीसगढ़ और पूरे देश के प्रमुख पदाधिकारी मिलकर के वो आर्थिक सहायता छत्तीसगढ़ के हर कलाकार के लिए लागू करते हैं। अगर ऐसा मौका आता है 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। दूसरी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, उनको नियम मालूम है कैसे बीमा कराना है, वो जिम्मेदारी हमारे हर जिला अध्यक्ष की रहेगी। थोड़ा सा शुल्क लगेगा उसमें, लेकिन हर कलाकार का बीमा हो जाएगा ताकि हमारी सिक्योर लाइफ हो जाए उस बीमा से, ये कराएंगे। दूसरी बात, भारतीय कलाकार संघ का एक कॉलेज भी चलता है, इंस्टीट्यूट, जो कि झारखंड से चलता है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जी चलाते हैं और उसमें उस समिति के अध्यक्ष हमारे राकेश जैन साहब हैं। तो मैं राकेश जैन साहब से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, इतना बढ़िया आयोजन है, अच्छे कलाकार मुझे चारों तरफ दिख रहे हैं। अगर कहीं आप में से इंटर पास कोई भी कलाकार है तो वो डिप्लोमा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारे जैन साहब की रहेगी। वो डिप्लोमा आपका सरकारी विभागों में काम करेगा, जो भी उसका न्यूनतम शुल्क जो कागजी कार्रवाई में लगेगा उतना फीस नहीं लगेगा, ये जिम्मेदारी इनकी रहेगी। इनके संपर्क में आइएगा और विवश कुमार जी जो झारखंड के हैं उनके संपर्क में आइएगा, ताकि हम इसके चलते चलते शिक्षा की ओर भी ध्यान करते चलेंगे। देखिए अब संगठन जितने भी होते हैं वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपनी हद तक करते हैं, चाहे हमें भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे हमें कैसा भी आंदोलन करना पड़े, उस आंदोलन में हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी सफलता हासिल होगी। मैंने एक कड़ी कही थी कि आ तो पहुंचे हैं मंजिल तक, उंगली को थामे लगना भटकने का डर सा लगता है। हम मंजिल तक आ पहुंचे हैं और हमें गर्व इस बात का है कि हमारे पढ़े लिखे प्रखर एक्सपीरियंसेस व्यक्ति हमारे साथ में है, ऐसे व्यक्ति जो कि ये कोई गलत काम होने ही नहीं देंगे हमसे, बस हमें जोश भर के चलना है। जहां भी आप लोग पेंटिंग करें, आज की स्थिति में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फ्लेक्स और विनाइल है, जिसके चलते हमारे काम पर बहुत ही मद्दा पड़ा है और असर पड़ डाला है। मैं सबसे ये बात कहता हूं कि आज से छत्तीसगढ़ में जितने भी कलाकार पेंटिंग करने जाएं, जहां भी विनाइल का पोस्टर लगा हो, चाहे वो तेल का विज्ञापन हो, कुछ भी विज्ञापन हो, उस पर 4 बुरुष कालक पोतिया का नीचे लिख दीजिएगा भारतीय कलाकार संघ। ये मैं कहता हूं, इसको करना शुरू कर दीजिए और उस फोटो को लेकर के फेसबुक पे डाल दीजिए। किसी में हिम्मत नहीं कोई केस भी कर देगा, क्योंकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक है और सरकार ने, अगर तो हम पर केस करेंगे तो हम सरकार पर केस करेंगे। भाई आप ही तो कह रहे हैं सिंगल यूज को मिटाओ, हम मिटा रहे हैं इसको। इससे अगर हम इसकी संख्या ज्यादातर करेंगे तो ये सीधा सीधा कंपनी वाले को इसका पता चलेगा, तो उसके दिमाग में आएगा कि इससे अच्छा हम पेंटरों से कराएंगे तो वो फायदे में रहेगा, रोजगार पर असर पड़ेगा इसके।
ये पल बहुत ही कीमती पल है। मैंने पहले भी कहा था, दो लाइन याद आ गई कि पल पल तरसते थे इस पल के लिए, पल पल तरसते थे इस पल के लिए, मगर ये जिंदगी में मंजी सर आया कुछ पल के लिए। पल तरसते थे इस पल के लिए, ये पल जिंदगी में आया कुछ पल के लिए। सोचा इस पल को जिंदगी का खूबसूरत पल बना देंगे, पर रुका भी तो बस उस पल के लिए। तो साथ में हम दुरुस्त चर्चा करने का विषय यही है कि तीन बातों का मैं आगाज यहाँ पहले कर चुका हूँ, और मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं हमारे महन जी हैं जो नाम यहाँ से भेजा था, और आने वाली जो कार्यकारिणी रहेगी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनेगी, छत्तीसगढ़ से दो नाम जो अच्छे नाम होंगे उनको हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लेकर चलेंगे, और एक बड़े अच्छे व्यक्ति को हमने चुना है जो कि भारतीय कलाकार संघ का जो संविधान बनेगा जो कि आजीवन चलेगा, जब तक भारतीय कलाकार संघ रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो संविधान चलेगा, जैसे कि भारत देश भारतीय संविधान से चलता है, ऐसा ही हमारा भारतीय कलाकार संगठन जो है वो संविधान से चलेगा। उस संविधान की रचना में हमने सदस्य चुने हैं इनके लिए, इनके लिखे हुए संविधान से ही वो चलेगा। ऐसे 15 लोग हैं, उनका सबका मिला करके फिर हम छान के उसको चलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है हम जाकर ही इस पर भी सोच कर दें कि हमें पत्र आंदोलन जो करना है उसको हम किस तरीके से सफल बनाए। उस आंदोलन के बाद ठीक, उस आंदोलन के ठीक बाद हम एक दिन की हर जिले कार्यालय पर भूख हड़ताल भी करेंगे। अगर उसका कोई जवाब नहीं मिलता है भूख हड़ताल कर करके, और एक ज्ञापन हम लोकल जिला कलेक्टर महोदय को देंगे, एक दिन की हड़ताल। आने वाले भविष्य की मैं ये बता रहा हूँ कि हम इस तरीके की परिकल्पना कर रहे हैं कि हमें आंदोलन भी करना है। कार्यक्रम हमारा हो गया, हम एक दूसरे परिचय में हो गए, और तीसरी बात यह है कि मैं विस्तार से ये बात कहना चाहूंगा, पहला दतिया कला महोत्सव हुआ 14 या 15 की बात होगी, तब एक मूर्तिकार थे अपनाश कुमार मौर्य, बड़े मूर्तिकार, वो आए, बोले सर आपको एक सुझाव देता हूं, उनका बताइए, बोले आप अच्छे नहीं लगते हो, अंकुर पेंटर लिखते हो, आप पेंटर आपके आगे अच्छा सूट नहीं करता। तो मैंने कहा कि अभी आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि जो भी व्यक्ति पेंट से काम करता है वो पेंटर ही होता है, चाहे वो चित्र बना रहा हो, चाहे वो कोट के डिजाइन निकाल रहा हो, कुछ भी कर, तो वो पेंटर ही होता है। इसीलिए सारे लोग हम पेंटर हैं, वो गफलत में ना रहे कि हम आर्टिस्ट हैं। भाई आप भी पेंटिंग से काम करते हैं, और इंग्लिश वर्ड भी उसका आर्टिस्ट जो होते हैं वो पेंटर ही है, पेंट से काम करने वाला पेंटर ही है। तो हमें एक ज्यादा जोड़ने के लिए हमें एक दूसरे को कलाकार जोड़ो अभियान भी चलाना होगा आगे की रणनीति के लिए। कलाकार जोड़ो अभियान कैसे चलाएंगे हम, जैसे कई कंपनियां आपको समझाती होंगी कि भाई आपने दो जोड़ो, फिर दो ने चार जोड़े, चार ने आठ जोड़े, हम लखपति बन जाएंगे, करोड़पति, ऐसा कुछ समझाती हैं। उसी तरीके से उसी आधार पर हम भी करेंगे, भाई हम भी कलाकारों को जोड़ेंगे, और देश में बहुत सारे कलाकार हैं, हम जोड़ेंगे और आगे इसको और बढ़ोतरी करेंगे इसमें। और ये बात से भी मैं आघात कर देना चाहता हूँ सबको कि संगठन में कोई सा भी बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे लिए या यहाँ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को अपना विचार लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं कि सर इसमें अपन ये बदलाव करेंगे, इससे ये फायदा होगा, तो वो बदलाव तुरंत किया जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। जो नीचे का पेंटर जो नीचे का काम करता है वो बदलाव तुरंत कर दिए जाएंगे। और देखिए कलेक्टर साहब बन जाते हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाला तो टीचर ही रहता है ना, जबकि टीचर पढ़कर कलेक्टर नहीं बन पाता लेकिन पढ़ा करके कलेक्टर बना है। तो उसी तरीके से ये बिल्कुल गफलत में ना रहे कि ये हमसे छोटे पेंटर हैं या दो पेंटर हैं। देखिए हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उस सीख से अपन बहुत कुछ बन सकते हैं। तीसरी बात, रोजगार के माध्यम से मैं आप भारतीय कलाकार संघ छत्तीसगढ़ के लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर पेंटिंग का काम नहीं है वो बेफिक्र मेरा नंबर लगा दे या राष्ट्रीय पदाधिकारी किसी का भी नंबर लगा दे,
और जल्द ही हम यहाँ एक टोल फ्री नंबर किसी का ऐड करेंगे छत्तीसगढ़ में, जिसके पास काम ना हो वो फोन नंबर लगाए कि हम घर पर बैठे हैं, तो वो काम उपलब्ध कराने की भारतीय कलाकार संघ की जिम्मेदारी है। ये हम कर सकते हैं। फर्क इतना होगा कि हो सकता है आपके गृह जिले में ना हो काम, हो सकता है आपके प्रदेश में ना हो काम, लेकिन देश के कोने से काम ढूंढ कर लाएंगे, उस बेरोजगार कलाकार को काम देने की जिम्मेदारी भारतीय कलाकार संघ की होगी। और जो भी बड़े कलाकार हैं उनसे भी मेरा निवेदन, अगर उनके पास ज्यादा काम है तो जो हमारे नीचे के जो छोटे कलाकार हैं उनको देने की कृपा करें। भाई कम रेट में दे दें, ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन उनको बेरोजगार ना रहने दें। और भाइयों, जिस व्यक्ति के पास काम ना हो, अभी कुछ समय पहले मेरे पास फोन आया था पंजाब से, वो 4 लाख स्क्वायर फीट काम होना है मध्य प्रदेश में। बताइए सर आप करा सकते? मैंने कहा मैं बताऊंगा, किसी को बताऊं, किसी को करना हो जैसे। तो मेरा कहने का ये मतलब है, कोई भी व्यक्ति सर बैठा ना रहे, हमारा कार्यक्रम करने का यही उद्देश्य है। ये बड़े पदाधिकारियों का कार्यक्रम करने का यही उद्देश्य है कि आप एक दूसरे से जुड़ जाइए। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको काम नहीं है तो काम मिलेगा एक दूसरे से। हो सकता है आपकी चित्रकारी हमको अच्छी लगी, हो सकता है कहीं से ऑर्डर आया कि हमको अच्छा सा चित्र बनवाना है, ये चित्र ऐसा बनवाना, तो हम फोन लगाएंगे कि साहब रघु राठिया सर ऐसा फोटो बना दीजिए, वहां बनना है। मतलब एक दूसरे से हमको काम के साधन खुलेंगे। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान करना है। और मैं एक अधना सा कलाकार हूँ, छोटा बच्चा हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो तो अपना बच्चा समझ के उसको माफ जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल माफ करिएगा। और हो सकता है आज हम लोग यहाँ हैं, कल आप लोग यहाँ होंगे। बहुत ही अच्छा सराहनीय ये योगदान, अपना कर्तव्य। हम संगठन के लिए जो काम कर रहे हैं वो काम करना कभी बंद ना करें, चाहे हमें संगठन का कोई भी व्यक्ति इग्नोर से इग्नोर करता रहे, वो देखे तक नहीं, फिर भी हमें काम करते रहना है। ये वादे के साथ कहता हूँ कि आज नहीं तो कल ऐसा आएगा कि आपको देखा जाएगा, सुना जाएगा। एक संत थे सर, एक संत थे, नदी के किनारे पर एक जो बिच्छू होता है वो पानी में गिर गया। संत ने उस बिच्छू को उठाया हाथ से और निकाला, बिच्छू ने संत को काट लिया। उन्होंने फिर बाहर किया और बिच्छू फिर दोबारा से गिरा, दोबारा से फिर हाथ में उठाया, फिर काट लिया। तीसरी बार उनका जो चेला था संत का, वो बोला महाराज जी आपको ये बार बार काट रहा है, आप क्यों इसमें उठा उठा के इधर डाल रहे हैं? तो महाराज जी ने शानदार जवाब दिया कि काटना उनका कर्तव्य है, बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य को भूल नहीं सकता। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, आप अच्छा काम कर रहे हैं संघ के प्रति, भले कोई ये कहे कि नहीं ये तो कर नहीं सकते। अच्छा ये बात बताइए, अगर ये पेड़ अच्छा बजा लेते हैं, यहाँ हम कहें कि अरे ये तो बेकार बजा रहे, तो आता ही नहीं, तो ये यहाँ छोड़ के कलकत्ता में बजा देंगे और कहीं बजा देंगे, प्रतिभा कहीं दबाने से दबती है क्या? भाई जो अच्छा काम करता है हम कितना भी प्रयास करें उसको दबाने का, दबा नहीं सकते कभी। इसीलिए जो उसके साथ काम करेंगे, कलाकार एकता जिंदाबाद, कलाकार एकता जिंदाबाद। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, समय बहुत कम है और मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से फिर से धन्यवाद आपका करता हूँ। और आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ अतिथि के रूप में आपने बुलाया। मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, जितना आपने उठा के इतने बड़े मंच पर मुझे बिठाया, मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे भगवान हो, कलाकार मेरे भगवान हैं, और मैं जीवन भर आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, चरणों में रहूंगा। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जितने कलाकार यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, और कला के प्रति हम आगाज करेंगे, आपसे वादा करेंगे कि हम संगठन से कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन एकजुटता का परिचय देंगे, एकजुट रहेंगे। जैसे अभी मधुभक्ति वाला उदाहरण हमने दिया था, बिल्कुल सही उदाहरण है। इसी तरीके से हम एकजुट रहेंगे। आपके यहाँ अगर किसी भी कलाकार को कोई क्षति होती है तो आंदोलन में भूख हड़ताल से लेकर के सारे आंदोलन में मुझे फोन लगाइए, मैं यहाँ बैठने को तैयार हूँ, यहाँ बैठने आऊंगा, आपके साथ में बैठूंगा, आंदोलन करूंगा। और जहां तक मेरा प्रयास होगा, पूरे भारतीय कलाकार संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी आपके साथ आंदोलन में बैठेंगे, छत्तीसगढ़ का कैसा भी आंदोलन हो। हम जल्दी से जल्दी इस पत्र आंदोलन का डेट फिक्स करेंगे, सारे लोगों से सलाह मशवरा करके इसको सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। ये सब कलाकारी देख करके दो लाइन याद आती है, उस लाइनों को कह करके मैं
कि माजी माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस पार बहुत है तो कुछ उस पार बहुत है, माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार बहुत हैं तो कुछ उस पार बहुत हैं, मगर जहां खोली है तूने शीशे की दुकान, यहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं, यहां पत्थर के खरीदार।